आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, इसलिए किसी से नहीं डरता। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जी हाँ, पीएम मोदी के जन्मदिवस पर उनके चाय वाले से पीएम बनने तक का सफर कैसा रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चाय वाले से लेकर पीएम बनने तक का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिवस। बेहतरीन शख्सियत के लिए जाने जाते हैं पीएम मोदी। देश हो या विदेश, सभी जगह लोकप्रिय पीएम मोदी। कई पुरस्कार और सम्मान पीएम मोदी ने किया अपने नाम। देश को आगे बढ़ाने में पीएम मोदी का है बड़ा योगदान। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो वो इंसान हूं, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए किसी से नहीं डरता हूँ। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें देश की राजनीति की वजह से जाना जाता है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है जो कि देश या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध है, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्यों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से गुजरा, लेकिन अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस उम्र में बच्चे अपना समय खेलने कूदने में बिताते हैं, उस उम्र में मोदी जी ने अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए अपने पिता की दुकान में चाय बेचने में मदद करते थे और ट्रेन डब्बों में जाकर चाय बेचते थे। लेकिन आपके अंदर अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। जी हाँ, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल लो यारो। तो आइए आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी जी का चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने का सफर। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात राज्य के महसाना जिले के एक छोटे टाउन वडनगर में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तब वडनगर बॉम्बे में था, लेकिन अब वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मोदी था और मां का नाम हीराबा था। मोदी जी अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरी संतान थे। जन्म के समय नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनका परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला है। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और मोदी जी अपने पिता का हाथ बटाते, अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय बेचते थे। लेकिन हाँ, चाय बेचने के साथ ही अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते थे। मोदी जी के टीचरों का भी कहना था कि मोदी जी पढ़ाई में तो ठीक ठाक थे पर नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लेते थे और उन्हें खेल कूद में भी रुचि थी। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर के एक स्कूल में की थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई यशोदा बेन चमनलाल से कर दी गई और 17 साल में उनकी शादी हो गई। ये दोनों कुछ साल तक साथ रहे और फिर बाद में अलग हो गए, लेकिन उनके जीवन लेखक का ये भी कहना है कि वो दोनों कभी साथ नहीं रहे और शादी के कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए, यानी उनका वैवाहिक जीवन एक तरह से समाप्त सा हो गया था। नरेंद्र मोदी का मानना है कि एक वैवाहिक व्यक्ति के मुकाबले अकेला व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा अच्छे से लड़ सकता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बच्चों की चिंता नहीं रहती। जी हाँ, बचपन से ही मोदी जी तो देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वो 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो मोदी जी रेलवे स्टेशन पर जवानों के लिए खाना और चाय लेकर जाते थे।
1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तब भी उन्होंने जवानों की खूब सेवा की थी। 1975 में मोदी आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लग गए, जहां वो सुबह जल्दी उठ जाते थे और देर रात तक काम करते थे। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगह पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और समझा और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने महत्वपूर्ण रोल निभाया। 1975 में राजनीति क्षेत्रों में विवाद के चलते उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकाल घोषित कर दिया था और आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी रोक लगा दी गई थी। तब भी मोदी देश के लिए कार्य करते रहे और सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया और उसी समय मोदी जी ने किताब लिखी जिसका नाम संघर्ष मां गुजरात था। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में चर्चा किया। 1980 में आरएसएस में रहते हुए गुजरात विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान से स्नातक और पीजी की डिग्री हासिल की। आरएसएस में बेहतरीन काम करने की वजह से उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर्स काफी प्रभावित हुए। आगे भी उनके अद्भुत कार्य के लिए भाजपा में लगातार उनका महत्व बढ़ता रहा। लगातार पार्टी में कार्य करते हुए आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई और गुजरात में उनकी सरकार ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन पीएम मोदी से कहा सुनी होने के बाद शंकर सिंह बघेला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद केशव भाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुला लिया गया। उसके बाद मोदी को संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री का पद दिया गया। मोदी जी ने इस पदभार के कार्य को बखूबी निभाया। इस बीच 2001 में केशव भाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके चलते भाजपा चुनाव में कई सीटें हार रही थी, जिसके बाद भाजपा ने केशव भाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के पद की कमान सौंपी। नरेंद्र मोदी ने अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद उन्होंने राजकोट के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अश्विन महतो को बड़े अंतर से मात दी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, गुजरात को फिर से खड़ा कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई और टूरिज्म को बढ़ावा दिया। देश में कई नदियों को एक साथ जोड़ा। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में बना। इसके अलावा भी मोदी जी ने कई बेहतरीन कार्य किए। गुजरात को भारत का सबसे बेहतर राज्य बना दिया और वे खुद गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसी बीच गुजरात के गोंधरा कांड से नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया। इस कांड के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद से कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने मोदी के इस्तीफे की मांग की। बता दें कि गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 गुजरात को गोधरा शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के 56 कोच में आग लगाए जाने के बाद 59 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए थे। 28 फरवरी 2002 को दंगा और ज्यादा बढ़ गया, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद कोर्ट ने इस घटना की जांच के विशेष जांच दल बनाया और दिसंबर 2010 में ये सामने आया कि गुजरात दंगों में मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। नरेंद्र मोदी ने ऐसे मंदिरों को हटाने के बारे में भी नहीं सोचा जो कि कायदे कानून के खिलाफ बने हुए थे। इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन मोदी जी ने इसकी भी परवाह कभी नहीं की और देश के लिए जो सही था वही करते रहे और उसके सही निर्णय और अच्छे कार्यों के लिए उन्हें गुजरात के लोगों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। मोदी की सफलता को देखते हुए भाजपा ने साल 2014 के चुनाव के लिए मोदी को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद मोदी ने पूरे भारत में लगातार कई रैलियां की और सोशल मीडिया का भरपूर लाभ उठाया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। मोदी की सकारात्मकता और देश के प्रति प्यार और प्रेरणादायक भाषण की वजह से लोगों ने उन्हें भारी मत से विजयी बनाया और उन्हें 15वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना।
प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने भारत में कई विकास कार्य किए, जिसके चलते 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का परचम फिर छाया रहा। नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत हुई। भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 सालों के काम से जनता बहुत खुश थी, जिसके चलते जनता उन्हें एक बार फिर मौका देना चाहती थी। और देश की जनता को उम्मीद है कि पिछली बार की तरह वो पूरे देशवासियों की उम्मीद में खरे उतरेंगे और भारत देश को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। ये सोचते हुए प्रधानमंत्री को जनता ने फिर मौका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सन 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं एवं पहलों की शुरुआत की, जिनमें से स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया प्रमुख है। गुजरात के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों के रूप में मोदी जी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए एवं उनके कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों में सबसे बड़ा फैसला नोटबंदी का था। यह मोदी जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। दूसरा, GST लागू किया गया। वहीं 2016 में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया गया और 2019 में वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। इसके अलावा विदेशी निवेशों के साथ मिलकर भारत में बुलेट ट्रेनें जैसी कारों में भी मोदी जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इन सभी के साथ ही मोदी जी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बहुत बड़ा संकल्प भी दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कुछ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों की हैट्रिक लगाई है। जी हाँ, वो मामले थे जो देश में पिछले 70 सालों से लटके हुए थे। फिर चाहे 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को निजात दिलाना हो, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, या NCR रजिस्टर तैयार कर देश में अवैध रूप से चल रहे लोगों की पहचान कराना, इन 3 महत्वपूर्ण फैसलों के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 134 साल पुराने अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अयोध्या की 2.77 एकड़ की विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी। ये फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया था। इसी तरह मोदी सरकार ने तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया। 9 सितंबर को नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा में पास हुआ, 11 दिसंबर को राज्यसभा में भी पास हो गया। दोनों सदनों में इस पर घंटों बहस चली, लेकिन आखिरकार बिल पास हो गया। इस तरह से मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद तक कार्यकाल में काफी सारी उपलब्धियां अपने नाम की हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको बता दें कि मोदी जी बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। वे 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। मोदी जी का कहना है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वो तो सिर्फ संतोष लाती है। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी और नवरात्र के 9 दिन व्रत रखते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योगा करते हैं। चाहे कहीं भी हो, मोदी जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उनका कहना है कि मेरे पास मेरे बाबा दादा का ना ही एक पाई है, ना ही मुझे चाहिए, मेरे पास तो मेरी माँ का आशीर्वाद है। वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो वो इंसान हूँ, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, मुझे मेरी छवि। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।